शिवपुरी में महिला बाल विकास की परियोजना अधिकारी एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। शिवपुरी जिले की महिला बाल विकास की परियोजना अधिकारी सुपरवाइजर समेत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर शिवपुरी के गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि 15 मार्च से महिला बाल विकास के सुपरवाइजर परियोजना अधिकारी समेत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वेतन विसंगति नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रही हैं। मांगे पूरी न होने पर आज महिला बाल विकास एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुखर होकर विरोध प्रदर्शन किया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। कार्यकर्ता बहनें हैं जो कि अपने नियमितीकरण के लिए मांग कर रही हैं कि ना तो इनको भी नियमित किया जाए बराबर, और इनको जो भी अगर नियमित नहीं होती हैं जब तक तो इनको न्यूनतम वेतनमान इनको दिया जाए और इनकी मांगों को विधिवत पूरा किया जाए। हमारी यही मांग है शासन से। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपने प्रोग्राम चला रहे हैं। आज हम यहाँ पे मानव श्रृंखला का आयोजन हमारे द्वारा किया गया सभी के द्वारा। अच्छा जी, हड़ताल जारी है तो किस संबंध में आप हड़ताल कर रहे हो? हमारे संयुक्त मोर्चा में कुछ मांगे हैं जिसमें सुपरवाइजर और सीडीपीओ और उसके साथ में कार्यकर्ता सम्मिलित हैं। उनकी सबकी मांगे हैं जो वेतन विसंगतियाँ हैं उनको लेकर, प्रमोशन को लेकर और समयमान वेतनमान को लेकर, कार्यकर्ता की पदोन्नति और तमाम के जो वेतन की कम है और कई विभागों में सभी विभागों में जो काम के लिए उनको लगाया जाता है उस संबंध में हमारा ज्ञापन हमने सभी जगह पे दिया गया है। कहाँ कहाँ आपने ज्ञापन दिया है? सभी जगह कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है हमने। 15 मार्च को, 14 मार्च को ये ज्ञापन दिया था। इसके साथ ही कमिश्नर साहब को भी दिया है और विधायक वगैरह उन सबको भी दिया गया है। सभी जगह अपने जनप्रतिनिधि। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम मंजू धाकड़ है। मैं अच्छा। महिला बाल विकास में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ हूँ। अच्छा, आपका ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये किस संबंध में? हमारे 15 तारीख से सामूहिक अवकाश पर हैं हम सब सभी लोग, और हमारा जो है 35 सालों से लगभग हमारे महिला बाल विकास में जो सुपरवाइजर पदस्थ हैं वो आज तक भी सुपरवाइजर के पद पर ही पदस्थ हैं। उनको कोई भी प्रमोशन नहीं दिया जाता इस विभाग में, और साथ में ही हमारी बहुत सारी वेतन विसंगतियाँ भी हैं। हमारे जो कैडर के लोग हैं जैसे कि उच्च श्रेणी शिक्षक, उप जेलर, उप सब इंस्पेक्टर, तो उनको पहले हमारी ही कैटेगरी के थे, लेकिन आज उनका वेतन ग्रेड पे 3600 है और हम लोग 2400 के ग्रेड पे ही हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी उनके समकक्ष 3600 की ग्रेड पे हमारा ग्रेड पे किया जाए। और साथ में ही हमारी जो संविदा बहनें हैं, संविदा सुपरवाइजर हैं, जो लगभग 10 सालों से संविदा के पद पे ही पदस्थ हैं, जबकि वो विधिवत पेपर दे के आई थी अपना, और उसके बाद में भी उनका आज तक कोई भी नियमितीकरण नहीं किया गया। आप प्रॉपर शिवपुरी से हो क्या? शिवपुरी के जिले से हो? मैं शिवपुरी ग्रामीण परियोजना से हूँ। मेरा नाम है कमलेश शर्मा। अच्छा जी, हड़ताल चल रही है, किस संबंध में जी हड़ताल है? आज यहाँ पर हम मानव श्रृंखला के लिए इकट्ठे हुए हैं। 15 मार्च से हमारी परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सभी संगठन संयुक्त मोर्चे के साथ हड़ताल है। उसी कड़ी में आज यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारी मांगों को तत्काल पूरा करें, संयुक्त मोर्चे की जितनी भी मांगे हैं उन्हें माने, और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम सारे लोग इसी तरह हड़ताल पर चले जाएंगे। आज यहाँ पर शिवपुरी ग्रामीण, बदरवास, कोलारस, करेरा, नरवर, खनियादाना, दसों ब्लॉकों के लोग यहाँ पर हैं। ये सब हड़ताल पर हैं, और हमारे जो भी साथी हड़ताल पर हैं उन्हें किसी तरह का अगर किसी ने दबाव डालने की कोशिश की तो अभी हमारा शांतिपूर्व ये चल रहा है, शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। जगह जगह हम मीटिंगें कर रहे हैं,
और अपना विरोध जता रहे हैं, बता रहे हैं सरकार को, हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से ही कर रहे हैं काम। लेकिन अगर हमें दबाने की कोशिश की जा गई तो हमारा संगठन उग्र रूप भी ले सकता है। हम शांतिपूर्वक ही, अगर कोई हमें दबाव नहीं डालेगा तो अपने कार्रवाई को जारी रखेंगे। और ये बार बार कहते हुए कि जब तक हमारी मांगें संयुक्त मोर्चे की पूरी नहीं होती हैं, परियोजना अधिकारियों की हैं ग्रेड पे को बढ़ाना, वेतन विसंगति, और सुपरवाइजरों की भी वेतन विसंगति है, ग्रेड पे बढ़ाना है, प्रमोशन है, और आंगनवाड़ी वर्कर की शासकीय कर्मचारी का दर्जा दो, न्यूनतम वेतन दो, और जब तक कार्यकर्ता रिटायर होती है तब उसे 5 लाख वर्कर 3 लाख मिली, और 2 लाख हेल्पर को दो, उसकी मृत्यु पर भी यही लाभ दो, और 100% आंगनवाड़ी वर्कर से पर्यवेक्षक पद पर भर्ती करो, और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है ग्रेच्युटी का, वो ग्रेच्युटी प्रदान करो। ये हमारी सारी मांग। अच्छा, आगे आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप क्या करोगे? अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो हड़ताल से नहीं हटेंगे हम, कोई भी काम नहीं करेंगे। कब से आपकी हड़ताल जारी है? 15 मार्च से हमारी हड़ताल जारी है। और नियंत्रण जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी, जब तक संयुक्त मोर्चे की मांगे पूरी नहीं होती हम बिल्कुल हटेंगे नहीं पीछे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।